सब्सक्राइब टू सिद्धार्थ कन यूट्यूब चैनल राइट ना ये मुझे बताओ आई कॉन्ट बिलीव दिस एक परसेप्शन था हाँ. कि यार एजाज खान घर में एरेगेंट है यू नो गुस्से वाला है हाँ. पर जब तुम बाहर आए हाँ. और जब हम सोशल मीडिया में देते हैं हाँ. पीपल लव यूसा है मेरी पर्सनैलिटी का बैंडविट जो है उसमें सब कुछ है अगर हम ये सोचते हैं कि हम भगवान के रिफ्लेक्शन में बने हैं वो क्रिएटर भी हैं वो डिस्ट्रॉय भी हैं वो प्यार भी करते हैं वो गुस्सा भी करते हैं मुझे भी लगता है मेरे में सब कुछ है अभी क्या दर्शाया जाता है क्या दिखाया जाता है किस वक्त उसे कितना एम्पलीफाई करके दिखाया जाता है उस पर डिपेंड करता है ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा एरगेंट हूँ हाँ मैं इंसान हूँ कभी कभी एरगेंट हो जाता हूँ ऐसा नहीं कि मैं हमेशा अग्रेसिव हूँ इंसान हूँ कुछ कुछ चीज़ों में जरूरत से ज़्यादा भी अग्रेसिव हो जाता हूँ लेकिन शायद दस पंद्रह मिनट या दूसरे दिन मुझे समझ में आ जाता है भाई इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं थी तो मैं जाके बात भी कर लेता हूँ तो जो परसेप्शन बनता है इसलिए बनता है क्योंकि लोग उस पर्सनैलिटी एस्पेक्ट को देखना चाहते हैं अगर मैं ये मानूं कि मैं अच्छा इंसान हूं आप में भी मुझे अच्छा ही दिखेगी अगर मुझे ये लगता है मैं बहुत कड़वा इंसान हूं मुझ में बहुत कड़वाहट और फ्रस्ट्रेशन भरा है

हक में और मेरे बेनिफिट के लिए कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे थे पढ़ाई के एस्पेक्ट में अपने लाइफ स्टाइल के एस्पेक्ट में लेकिन वो मैं नहीं समझ रहा था तो झगड़ा हुआ और कुछ हुआ जिसकी वजह से मैंने घर छोड़ा अभी ईगो में घर छोड़ा तो पैसे तो नहीं थे बाइक भी नहीं थी अपने दोस्तों के घर में रहता करला रेलवे स्टेशन पर सो चुका हूँ साइन रेलवे स्टेशन पर सो चुका हूँ वहाँ मुझे याद है कि पुलिस वाले रात भर सोने नहीं देते सुबह सुबह उठा के आ, हकाल देते उधर से तो जो वो बाकड़े वाले रहते हैं जो मैगजीन्स बेचते हैं वो मुझे बोलते थे ठीक है पीछे के सो जाओ ठंडी में आ, जो आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर के बाहर आ, उसके पीछे गर्म हवा आती है मैं वहाँ भी सो चुका हूँ नहाने के लिए वीटी का एक वीटी स्टेशन के बाहर सुलभ शौचालय है उस बंदे से मैंने दोस्ती की थी क्योंकि जो मेरे पास स्पसैक होता था अगर मैं बाहर रखता था तो उससे कुछ चोरी हो सकता था तो उसके पास रखता था वो दो रुपए दे के नहाता था मैं उधर वहीं बाहर सेकेंड हैंड कपड़े मिलते थे तीस रुपए के बहुत अच्छे कपड़े मिलते थे टी शर्ट्स बहुत अच्छे डेढ़ सौ रुपए की जीन्स मिलती थी तो वो भी पहनता था तब भी अच्छे कपड़े पहनने का शौक था मेरा दोस्त जो ब्रांड था उसके डांस क्लासेस थे तो मैं उसके डांस क्लासेस में जाके उसकी साइकिल लेके बहुत दूर दूर जाके डांस भी सिखाता था उसे पैसे नहीं लेता था लेकिन उसके घर में जाके खाना खाता था उसके घर में जाके सोता था और वो गरुड़िया स्कूल में जब डांस सिखाता था तो कैंटीन वाला होता था नाइक करके तो जो वहाँ खाना बचता था हम वो भी खाते थे बट सर मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हार्डशिप्स हार्डशिप्स नहीं कहूँगा जो चैलेंजेस मैंने देखी हैं तो उन चैलेंजेस के वजह से मैं प्रिपेयर किया बिग बॉस के लिए मैं वहाँ कहीं भी सो सकता हूँ मैं कुछ भी खा सकता था कोई भी हार्डशिप झेल सकता था बहुत हार्डवर्क करता था मैं अपना घर समझ के काम करता था क्योंकि कोरोना वायरस के इस ऐसे माहौल में हमें सिक्योर एटमॉस्फेयर में रखा गया हमें फेम मिली हमें एडुलेशन मिला हमें पैसे मिले उससे बड़ी बात क्या हो सकती है तो उसका शुक्रगुज़ार था मैं, और जितनी मेहनत अपनी शिद्दत से जितनी मेहनत कर सका मैंने किया जो अपनी ज़िंदगी में मैंने सीखा तो इन शॉर्ट ये कह रहे हैं बिग बॉस फोर्टीन की ट्रेनिंग इनको जिंदगी ने दी है यू नो एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ व्हाट वॉट यू डेड यू नो तुम आए थे ओपनली और तुमने अपने चाइल्डहुड uh, के बारे में बात चाइल्ड हुई hmm. बहुत बड़ी चीज होती है जब ओपनली आके टेलीविजन में बोलना हा एंड आई एडमायर दैट अबाउट यू और जितने भी लोग वहां पे हैं जिनके साथ ये सब हुआ है यू नो वॉट अ मैन लाइक हिम एट दिस एज ड <laughs> yeah, ट्रामा के बारे में बात करना चल अभी तो याद भी दिला रहे थे तो में में सुना रहे ऐसा है कि उस इंसिडेंट के बारे में मैंने कभी किसी से बात नहीं की मेरे अबा से भी बात नहीं की क्योंकि तब ऐसे लगता था कि मैंने शायद कुछ ऐसे किया जिसके वजह से वो सब हादसे मेरे साथ हुए बचपन में आपको कभी कव कभी ऐसा लगता है कि अगर आपके पेरेंट्स भी सेपरेट हो रहे हैं ना आपके वजह से हो रहा है क्योंकि सब लोग आप पर हावी होते हैं सब लोग आपको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं यू आर नॉट योर ओन इंडिविजुअल अब जाके लोग पीपल आर अवेक पीपल आर वोक पीपल ट्रीट चिल्ड्रन एज इंडिविजुअल्स विथ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ तब सब हमें मोल्ड करने की कोशिश करते थे मैं जब थेरेपी 2015 में मैंने शुरू की तो आई वेंट टू एड्रेस माय एंगस्ट क्यों मैं कोई भी चीज़ों में खुश नहीं रहता था क्यों अगर मेरे साथ कुछ अच्छा भी होता था तो मैं सबकॉन्शियसली उसे ऐसे सिचुएशंस में डालता या ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करता कि वो ख़ुशी मिट जाती और जैसे वो खुशी मिट जाती

दो दिन में उसके बारे में बात करता रहा कि ऐसे 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 हुआ था फिर बाद में दो फेसेस हमें रोंगटे खड़े होने सला बोल के अभी दो फेसेस स्टार्टेड कमिंग दो फेसेस स्टार्टेड कमिंग बैक एंड आई रियलाइज के दिस थिंग्स एक्चुअली हैपन टू मी फक एंड आई डेंट रियलाइज के हाउ एम आई सपोज टू डील विद इट बिकॉज तुम्हारे फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स एज अ मैन

और ये सीखने का कि अगर कोई भी उस ट्रॉमा को मेरे अगेंस्ट यूज करे तो मैं कैसे रिएक्ट करूं तो इट हैपन फॉर अ पीरियड ऑफ फोर ईयर्स आई वेंट फॉर थेरेपी के इट वेंट फॉर थेरेपी के अमाउंट ऑफ इट बहुत बहुत अजीब सा सिचुएशन था चार साल मेरी जिंदगी में मैंने काम भी किया लेकिन अच्छा काम भी किया क्यों उस वक्त अच्छा काम भी हुआ बिकॉज यू वॉन्ट टू एस्केप फ्रॉम योर सेल्फ इन टू अ कैरेक्टर द मिनट यू एस्केप You feel you're a character, you're not yourself, you're comfortable with it. As soon as you leave that character, you don't know what to do with yourself. So, there were a lot of escape mechanisms that I took at that time, which I'm not really proud of. Having said that, when uh, I in Boss house, my childhood, or dark secret I shared, I was in my childhood. नियोन लाइट्स में फ्लैश हो रही थी अगर मैं और कुछ भी बोलता वो सच नहीं होता तो आई थाट के मुझे बोलना चाहिए फिर मुझे लगा यार मैंने तो मेरे मेरे भाई से कहा है मेरे अब्बा से नहीं कहा है सिर्फ एक थेरेपिस्ट से बात की क्या होगा देन आई रियलाइज के इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला है 1.38 बिलियन पीपल आर वाचिंग दिस मे बी उनमें से अगर कुछ लोगों को भी ऐसा लगे कि ये एजाज खान है, वी लुक अप टू हिम, ही हैज मेड इज लाइफ जो हमारे सबका सक्सेस का पैरामीटर और बैरोमीटर अलग रहता है लेकिन क्यूमलेटिवली लोग समझते हैं ना मैं एक्टर बन गया दस साल से एक्टिंग कर रहा हूं तो मैं सक्सेसफुल हूं ये सक्सेसफुल भी है लेकिन इसके साथ बचपन में ऐसा ऐसा हादसा हुआ था फिर भी ही ओवरकम इट अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ दैट वॉज द कोर रीजन वाई आई डिड इट हैविंग दैट मैंने वो कहा इट वॉज वेरी ट्रामेटिक और मुझे यही लगा कि सब अच्छे इंसान हैं और वो लोग उस इंसिडेंट को उछालेंगे नहीं उस इंसिडेंट को मुझे लेके पोक नहीं करेंगे आप देखिए कितनी बार मुझसे कहा गया तुझे टच से प्रॉब्लम है ना टच से प्रॉब्लम है ना टू बिकम लाइक बिकॉज आई अ प्रॉब्लम विद टच गुड टच एंड वी डेंट नो दैट ज गॉन थ्रू दिस मोलिस्टेशन और समथिंग उनको यह लगता है कि प्यार पाना और देना वो टच से ही होता है क्योंकि दैट बचपन में उनके दिमाग में वो स्टैंप किया गया है अटेंशन पॉजिटिव या नेगेटिव उस हिसाब से तो बड़े होने के बाद आई डिट रियलाइज के मुझे प्यार का इजहार कैसे करना चाहिए आई कोडोटली डू इट विद टच पूरी दुनिया के साथ आई कोट हैंडल दैट टच बट जिससे मैं प्यार करता हूँ आई के नॉट स्टे अवे विदाउट टचिंग दम अभी भी अगर मुझे सोना है आई नीड टू टच द पर्सन दैट आई लव तभी मुझे नींद आती है दैट इज वाई मैन सामने आई मुझे अकेले नींद नहीं आती मुझे अकेले डर लगता है बिग बॉस हाउस में भी उतने सारे लोग बेडरूम में सोते थे अगर कोई भी गलती से मुझे आके उठाए मैं डर के ऐसे उठता था वो सारी चीज़ें मेरे अगेंस्ट यूज की गई ठीक है तो जो चीज़ बाहर की थेरेपी ने मुझे नहीं सिखाया वो बिग बॉस हाउस ने सिखाया कि ये प्रॉब्लम है बेटा सॉल्यूशन क्या है कि तू इससे ट्रिगर नहीं होगा अभी पॉइंट ए से पॉइंट बी में सबसे बेस्ट प्रोसेस देख सबसे बेस्ट लाइन देख कि तू कैसे इसको ओवरकम करेगा और सिड मैंने किया मैंने उसको ओवरकम किया थैंक यू थैंक यू थैंक हक यू, यू, और... दे दूं क्या <laughs> मुझे ट्रॉफी भी मिली हाँ मुझे उसकी ट्रॉफी भी मिली <laughs> 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 I'll see.